फिल्म जगत की लेटेस्ट ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड आज और कल, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। तो एक बार ऐसा लगा साहब, उनके ऑफिस में सब लोग बैठे हुए थे, पिक्चर बहुत कामयाब थी, डिस्ट्रीब्यूटर आए बैठे थे वहाँ पे, तो उन्होंने साहब आपने फिल्म में एक रोमांटिक लीड के लिए अपना अपना उसको लिया था, तो आपके तो घर में हो रहे, उसे क्यों नहीं लिया? बोले कौन? बोले राम मोहन। बोले चलेगा? बोले चलेगा साहब, दौड़ेगा, क्या डैशिंग आदमी है, क्या साहब रोल किया और कहाँ कहाँ साहब आपको आके बचाता है वगैरह वगैरह। तो वो उससे इंस्पायर हुए, उन्होंने मुझे ये पेंशनर जो पिक्चर उन्होंने शुरू की उसमें मुझे हीरो बना दिया श्यामा जी के साथ, लेकिन वो फिल्म नहीं चली। और उन दिनों मैंने कुछ उस जमाने के लिहाज से कोई 10-12 हज़ार रुपये एडवांस, हीरो बनने वाला हीरो बन जाएगा इसको एडवांस दे दो, उसको बुक कर लो, वो मैंने हासिल कर लिया था। फिल्म चली नहीं तो मैं हीरो से जीरो बन गया। तो फिर यही थी कि साहब काम जरूर करना है, और मुझे कभी ये कभी वहम नहीं हुआ कि हीरो ही बनना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि साहब हीरो का मुझे कोई चार्म नहीं रहा, तो मुझे कुछ विलन के रोल मिलने शुरू हो गए, वो भी किए। जो काम नहीं आता था उसको ना कभी नहीं बोला। फाइटिंग आती है, फाइटिंग कहाँ से आएगी? हम थोड़ी कॉलेज में फाइटिंग सीख कर आए थे, यहाँ सीखी थी, ट्रेनिंग ली थी, हाँ आती है। तो फाइटिंग सीन किया, पिटे। अगर फाइटिंग की महारत होती, टाइमिंग मालूम होता तो नहीं पिटते, पिटे, मार लगे, यहाँ मार लगी, छाती में मार लगी, गिर गए वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद राइडिंग भी की, हालांकि आती नहीं थी, ना नहीं बोला। उससे एक फायदा होगा साहब, जब भी कहीं पर कोई ऐसा रोल निकलता था कि साहब इसमें फाइटिंग भी है, इसमें राइटिंग भी है, इसमें डायलॉग भी है, ड्रामेटिक डायलॉग भी है, कुछ इमोशनल भी है, तो राम मोहन को बुला लो, राम मोहन को बुला लो। तो इससे करते करते मैंने कोई 150-200 फिल्में ऐसे विलन कर लिया। हमारी यहाँ